Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे लद्द चाविन कैसे बना सकते हैं ये येल्लो पनीर होती है कॉटेज चीज़ और ये यूजुअली कश्मीरी पंडिट्स बनाते थे मगर ये बहुत टेस्टी बनती है आप ट्राई कीजिएगा यहाँ पे हमने लिया है कॉटेज चीज़ या पनीर चाविन एक के जी और इस तरीके से बड़े स्लाइसिस में काटा है जैसे कि हम कश्मीरी खाते हैं साथ में हमने लिया है मिल्क या दध आधा लीटर मस्टर्ड ऑयल में हमने कुकिंग की है क्योंकि ऑथेंटिक टेस्ट कश्मीरी डिशेस का मस्टर्ड ऑयल में ही आएगा फिर हमने यहाँ पे यूज़ किया है यहाँ गार्लिक का पेस्ट लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ओरिजिनल रेसिपी में हींग का इस्तेमाल होता है ऐसो पटेजा अगर आप वो खाते हैं आप प्लीज़ वही इस्तेमाल कीजिए बट आई पर्सनली डोंट लाइक इट स्मेल सो हम वो नहीं ऐड करते हैं लेकिन अगर आप हींग खाते हैं तो फिर आप वही ऐड कीजिए क्योंकि औरिजिनल रेसिपी में हींग यूज़ होता है फिर हमने लिया है टर्मरिक या लदर सॉल्ट नून क्यूमिन सीड्स जोर सिनेमन स्टिक्स दालचीन जिंजर पाउडर शौंठ सीड का पाउडर कश्मीरी में बदान ब्लैक कार्डिमम, ग्रीन कार्डिमम, क्लोव बुडल निचल, रौग सबसे पहले आप पैन में लेंगे पानी और वो उबालेंगे फिर डाल देंगे एक छोटी चम्मच हल्दी और मिक्स करेंगे इस हल्दी वाले उबलते हुए पानी में आपको पनीर डाल देनी है कॉटेज चीज़ इससे इसकी रोनेस कच्चापन जो है वो चला जाता है तो हमेशा वाजवान हो या कोई भी रेसिपी हो पनीर को उबालते हैं हल्दी वाले पानी में एक उबाल आने के बाद देखिए हमें पानी फेंक देंगे स्ट्रेन करेंगे पनीर को आप मस्टर्ड ऑयल लेंगे एक पैन में और वेट करेंगे इसके गर्म होने का और स्मोक निकलने का जब ये गर्म हो जाएगा और स्मोक निकल जाएगी फिर हम पनीर की स्लाइसिस को फ्राई करेंगे बी केयरफुल एट दिस टाइम यू डोंट हैव टू बर्न योर तो हम आराम से पनीर की पीसेस डाल देंगे और इनको फ्लिप नहीं करेंगे पहले एक साइड से पूरा फ्राई होने देंगे फिर फ्लिप करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक बोल में रख दिया है पानी ठंडा पानी और मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है इस ठंडे नमक वाले पानी में मैं डाल दूंगी पनीर फ्राई करने के बाद उससे ये सॉफ़्ट और फ्लफ़ी रहेगी हार्ड नहीं हो जाएगी इस तरीके से सारे पीसेस फ्राई करने के बाद हम इसी ऑयल में से हल्का ऑयल लेंगे करी के लिए और जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तेल गर्म हो जाएगा मस्टर्ड ऑयल हम इसमें डाल देंगे एक दालचीनी की स्टिक एक बड़ी इलायची दो छोटी इलायची दो से तीन लौंग हल्का सा सौते करेंगे आप इन स्पाइसिस को और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बाकी स्पाइसिस हल्दी आधी छोटी चम्मच इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है शॉर्ट आधी छोटी चम्मच जिंजर पाउडर फैनल सीड का पाउडर डेढ़ छोटी चम्मच हाफ टी स्पून बद्यान ये देखिए फिर इन स्पाइसेस को भी हल्का सा फ्राई करेंगे आप ऑयल पे और फिर हम पानी ऐड कर देंगे ताकि ये बर्न ना हो जाए जले नहीं स्पाइसेस जो हमने डाल दी थी तेल पे ये देखिए करी जैसा फॉर्म हो जाएगा और फिर हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए पनीर के पीसेस जो हमने नमक वाले ठंडे पानी में रखे थे तो ये हम हल्का हाँ सा फ्राई कर देंगे इसी स्पाइसेस पे और फिर डाल देंगे हम यही सेम पानी जिसमें हमने ठंडे पानी नमक वाले पानी में रख दी थी पनीर वो ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम डाल रहे हैं गार्लिक आधी छोटी चम्मच अगर आप हींग खाते हैं आप हींग डाल दीजिएगा इस स्टेज पे तो गार्लिक ऐड होने के बाद हम इसको लेट से कवर करेंगे और वेट करेंगे करी थोड़ी रेड्यूस होने का जब करी थोड़ी रेड्यूस हो जाएगी फिर इसमें ऐड कर देना है दूध तो यहाँ पे देखिए करी रेड्यूस होने के बाद हम इसमें दूध ऐड कर रहे हैं टोटल में हमने दो कप किए हैं पहले हम एक कप ऐड कर रहे हैं और उसके बाद हम दूसरा भी कर देंगे तो ये कर्ड नहीं है जाम दूध नहीं है इसलिए दूध है साथ में हम डाल देंगे तीन छोटी इलायची एंड पे और हल्का सा ज़ीरा मान लीजिए एक छोटी चम्मच तक का क्रश करके हाथों से वो भी ऐड कर दिया है हमने यहाँ पे ज़ीरा या जूर और अब हम डाल रहे हैं फिर से दूध तकरीबन हमने डेढ़ कप दूध डाल दिया है इसमें मिल्क सो so, अब इसको उबलने के लिए रख देंगे यहाँ पे हम घी डाल रहे हैं ये एडिशनल है टू गिव इट एन एक्स्ट्रा फ्लेवर अगर आप चाहते हैं आप स्किप कर सकते हैं लेकिन अब आपको स्टर करते रहना है क्योंकि जो हमने इसमें दूध ऐड कर दिया है वो फटना नहीं चाहिए इट शुड नॉट कर्डल इसीलिए आपको इसको मिक्स करते रहना है स्टर करते रहना है जब तक न करी रिड्यूस हो जाए आपकी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी की हो जाए तब तक आपको इसको रिड्यूस करते रहना है तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आप सॉल्ट एडजस्ट कर सकते हैं और कितना आप चाहते हैं हमने ऑलरेडी पानी भी डाल दिया था सॉल्ट वाला और हम एडजस्ट और कर रहे हैं सॉल्ट यहाँ पे नमक तो आपको ये देखिए स्टर करते रहना है और लेट से भी कवर कर सकते हैं बाय द एंड एंड गैस ऑफ करके फिर आप इसको हल्का सा रेस्ट दीजिए और आपकी लेदर चाम तैयार है